बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक और टेस्टी हेल्दी रशियन सैलड की रेसिपी। इसे बनाना बहुत इजी है और बिल्कुल घर में शादियों जैसा, पार्टियों जैसा तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक हिस्सा क्रीम ले लेंगे। ये थिक क्रीम मैंने ली है, आप इसकी जगह थिक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे डबल क्वांटिटी में हम इसमें मायोनीज डालेंगे, कोई भी किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और ये आपकी मेजरमेंट आपकी चीज़ों के हिसाब से होगी, यानी जितनी भी चीज़ें हों उस हिसाब से आप लें, लेकिन एक हिस्सा क्रीम और दो हिस्से मायोनीज। अब इसके साथ इसमें जाएगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, शुगर एज टेस्ट, और इसके साथ थोड़ा सा नमक, और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप इसमें थिक योगर्ट भी डाल सकते हैं, जो ग्रीक योगर्ट होता है, लेकिन यह कि क्रीम के साथ इसका फ्लेवर और टेस्ट और एनहेंस होता है, और ये काफ़ी देर तक सैलड जो है ये टेस्टी लगता है और बाजार जैसा टेस्ट आएगा इसका। अब ये अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है, और ये उसी वक्त मिक्स करें जब आपने बनाना हो। इसके साथ ये कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स लिए हैं, इसमें मटर है उनको बॉयल कर लिया है, गाजर को बॉयल कर लिया है, सेब काट लिए हैं, पाइन एप्पल है, आलू हैं, और इनके क्यूब्स एक जैसे हैं। इसके अलावा आप इसमें स्ट्रॉबेरी या फिर आप कोई और फ्रूट लाइक केला ये भी शामिल कर सकते हैं, अंगूर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो फ्रूट शामिल किए हैं कि जो सलाद को काफ़ी देर तक ठीक रखेंगे और उनका क्रंच रहेगा। इसके साथ मैंने थोड़ा सा किशमिश डाल ली थी भिगो के, अच्छी तरह धो के इसको मिक्स कर लेंगे। और जो इसके अंदर डालने वाली हमने सॉस है वो तो वैसे ही बना ली है, तो इसको आप मिक्स कर लेंगे। बहुत हेल्दी टेस्टी किस्म का ये सैलेड है, वर्ल्ड फेमस है। इसमें आप मैक्रोनी भी बॉयल करके डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, मैक्रोनी से भी इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। आप चाहें तो इसको 2 स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। बड़ा फ्रेश और हेल्दी कलर इसका आता है तैयार होके, और इसको बना के हमेशा फ्रिज में रखना है, क्योंकि फ्रिज में रहने से इसका टेस्ट और डेवलप होता है। और जो पाइन एप्पल है ये ज़रूर इसमें शामिल करें, पाइन एप्पल से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मटर, पाइन एप्पल, एप्पल, एक फ्रूट अभी मैंने रखा हुआ है, वो बाद में गार्निश के वक्त मैं डालती हूँ। ये हमारा तैयार हो गया है, और जब सर्व करना हो तो फ्रिज से निकाल के सर्व करें, ये ठंडा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब किसी हम एक बाउल प्लेट में इसे डाल लेंगे, और इसके साथ मैंने रखा है अनार के दाने, ये ऑप्शनल हैं, आप इस पर टूटी फूटी भी डाल सकते हैं, अनार के दाने भी डाल सकते हैं, पाइन एप्पल के पीस भी काट के डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, लेकिन यह कि ये इस पर अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, और गुड फूड गुड मूड होता है। तो इंसान सारी मेहनत ज़िंदगी में जो भी करता है वो खाने के लिए करता है, तो अगर खाना देखने में भी अच्छा हो और खाने में भी अच्छा हो तो पहले तो आँखों से ही देख के उसको इंसान पसंद करता है। तो ये है कि देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है ये क्विक रशियन सैलड की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में, उम्र में, रिजक में, सेहत में बरकत दे और हमें नागहानी आफात से बचाए, आमीन। फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।